हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइज इन्वेस्टर। इस वीडियो में हम टेक्सटाइल कंपोजिट सेक्टर से गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड के हिस्टोरिकल रिटर्न्स का एनालिसिस करेंगे। गुल अहमद टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड अप्रैल 1, 1953 में पाकिस्तान में एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई और सब्सिक्वेंटली ये जनवरी 7, 1955 में एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी कन्वर्ट हुई। द कंपनी इंगेज्ड है इन कॉम्पोजिट टेक्सटाइल मिल सेगमेंट और इसके अलावा मैन्युफैक्चर और सेल करती है टेक्सटाइल प्रोडक्ट। कंपनी गुल अहमद होल्डिंग्स प्राइवेट लिमिटेड की सब्सिडरी है। अगर हम कंपनी की लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की तरफ देखें तो 22 साल के अरसे में कंपनी का शेयर प्राइस लो 16 रुपीज और शेयर प्राइस हाई 104.10 रुपीज पर शेयर रहा है। एवरेज शेयर प्राइस इस अरसे में 60 रुपीज पर शेयर है। इस एवरेज शेयर प्राइस पर 100 शेयर्स में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 6,000 रुपीज कॉस्ट करती है। टोटल कैश डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इस अरसे में 6,402 रुपीज दिया है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 से बढ़कर 770 हो गया। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 16.94 रुपीज पर शेयर पर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 13,043 रुपीज है, जो कि ओवरऑल इस अरसे में 224% का गेन है और ईयर ऑन ईयर 10.10% का पॉजिटिव रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। इसी तरह अगर मीडियम टर्म परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 साल के अरसे में कंपनी का शेयर प्राइस लो 18.90 रुपीज और शेयर प्राइस हाई 73.25 रुपीज पर शेयर रहा है। एवरेज शेयर प्राइस इस अरसे में 46 रुपीज पर शेयर है। इस एवरेज शेयर प्राइस पर 100 शेयर में इनिशियल इन्वेस्टमेंट 4,600 रुपीज कॉस्ट करती है। टोटल कैश डिविडेंड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को इस अरसे में 2,151 रुपीज पे किया है और टोटल नंबर ऑफ शेयर 100 से बढ़कर 311 हो गया। लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस 16.94 रुपीज पर शेयर पर करंट इन्वेस्टमेंट वैल्यू 5,268 रुपीज है, जो कि ओवरऑल इस अरसे में 61.20% का गेन है और ईयर ऑन ईयर 6.10% का पॉजिटिव रिटर्न है शेयर होल्डर्स के लिए उनकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर। Thank you viewers, thank you for watching and good luck with your investments.